सो हेलो एवरीवान वेलकम टू आर चैनल लीगल माइंड मैप सो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम जिसमें हम कवर करेंगे बुढ़ा बेस्ट कन्वेंशन ठीक है ये कन्वेंशन हुई थी साइबर क्राइम के ऊपर तो लेट्स स्टार्ट आर वीडियो सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है इसका मीनिंग समझ लेते हैं वो ये ट्रीटीज़ होती है जो नेगोशिएट होती है अग्रीड होती है नेगोशिएट मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन करनी होती है कि नहीं ये ऐड कर दो ये मत करो ऐसे करके नेगोशिएट होती है दो कंट्रीज़ के बीच में साइन होती है और फिर अग्री भी की जाती है कि ठीक है और वो दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज इसे साइन करती है और उसके ऊपर वर्क करती है मतलब कि फिर उन, उनको फॉलो भी करती है उनके बीच में एक तरीके से सुलह होती है हर चीज़ की कि इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमको इन ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग चलना है मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना है जो इसके अंदर लिखी हैं दे आर लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स that establish rules and procedures for corporations between countries ताकि दोनों country या फिर जितनी भी countries उसके अंडर है जिन्होंने sign किया है वो cooperate करे एक दूसरे के साथ according to the regulations written in that ठीक है and specific issues or set of issues और बैठ के उस चीज़ का समाधान हाँ निकाल पाए because उन्होंने sign करी है एक agreement sign किया है जिसपे आप बैठ कर बात कर सकते हो उसके बाद then comes नेम तो इसको आप समझते हैं जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कब हुई थी कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम क्या था वो बुद्धा पेस्ट कन्वेंशन नाम था इसका बुद्धा पेस्ट एंड देन अडॉप्टेड ये कब अडॉप्ट हुई थी द कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन बुद्धा पेस्ट हंगरी ऑन नवम्बर ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड एंड वन दैन एंट्री इंटू फोर्स इट ऑन जुलाई 1 2004 थाउजेंड एंड फोर पर्पज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन आर टू हारमेनाइज यानी कि जो नेशनल लॉज होते हैं ना उनसे रिलेटेड एक कन्वेशन हुई थी साइबर क्राइम के जिसमें इन मतलब उन लॉज को इम्प्रूव किया गया था और बेटर बनाया गया था उनके ऊपर दोबारा विचार किया गया था एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव किया गया था टेक्निक्स को उनको आगे प्रमोट किया गया था इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन द इन द फाइट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स जो भी साइबर थ्रेट्स हैं साइबर क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए अच्छे लॉज बनाए गए थे जो थोड़े और बेटर वर्क कर सके ठीक है ड्राफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ़ यूरोप देन ऑब्जेक्टिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द बुद्धा पेस्ट इज टू परस्यू अ कामन क्रिमिनल पॉलिसी को कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी जो सारे देश फॉलो कर पाए ठीक है एम एट द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी और वो प्रोटेक्ट कर पाए सोसाइटी को साइबर क्राइम के अगेंस्ट और बाई अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट लेजिशन फॉरस्टरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द कन्वेंशन ऑलसो एम टू इम्प्रूव इम्प्रूव करना इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं ठीक है दैन कम्स स्कोप द बुद्धा पेस्ट कन्वेंशन द बुद्धा पेस्ट कन्वेंशन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग ऑफेंस अगेंस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कुछ कॉन्फिडेंशलिटी uh, जो चीज़ें बहुत वो होती है प्राइवेट होती है चीज़ें कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ भी इंटिग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर डेटा सिस्टम्स ठीक है इनके रिलेटेड कुछ भी ऑफेंस होता है तो वो कवर है इस कन्वेंशन के जो बने हैं लॉज उन सब में दैन कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसिस सच एस हैकिंग ऑफ सर्विस अटैक्स एंड मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन दैन चाइल्ड पॉनोग्राफी देन कंटेंट रिलेटेड टू ऑफेंस सच एस हेट स्पीच एंडमेंट ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस दैन कम्स की प्रोविजन्स इसके मोटे मोटे प्रोविजन समझ लेते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस कन्वेंशन क्रिमिनलाइज वेरियस ऑफेंस उनको क्रिमिनल कैटेगरी में डाल रही है कन्वेंशन कई सारे ऑफेंसेस को साइबर क्राइम के जिसके अंदर इलीगल एक्सेस ऑफ सिस्टम इंटरफेरेंस डेटा इंटरफेरेंस एंड कंटेंट रिलेटेड पोर्नोग्राफी एंड ट्राफी एंड रेसिज्म नाउ कम्स प्रोसीजरल लॉ मेजर्स एस्टैब्लिश प्रोसीजरल लॉ मेजर्स टू इनहस द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू इन्वेस्टिगेट मतलब कि वह अच्छे अच्छे लॉज प्रोसीजरल लॉज के वो तरीके आजमाते हैं ताकि जो कंट्री की कंट्री की एबिलिटी होती है ना इन्वेस्टिगेट की और जो साइबर क्राइम है उसको प्रोसिक्यूट करने की वो बढ़े इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ठीक है एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मतलब कि कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करती है एविडेंस इकट्ठा करने में और म्यूचुअली भी काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस देती है किसी कंट्री के पास कोई Uh, वो होती है टेक्नोलॉजी किसी के पास कुछ तो दे हेल्प ईच अदर देन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एनकरेजेज कंट्रीज टू कॉर्पोरेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम ये हेल्प करती है कंट्रीज़ को कॉपरेट करने में मतलब की इंक्रेज कंट्रीज़ टू कॉपरेट ऑन मैटर्स एक दूसरे को कॉपरेट करती है साइबर क्राइम रिलेटेड मैटर्स के अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रोसिक्यूशन के अंदर उसके बाद फिर एक्स्ट्रा में भी अलाउ करती है किसी और कंट्री का पर्सन है उसने किसी और के कंट्री के पर्सन के साथ कमिट किया कोई क्राइम तो फिर एक्स्ट्रा डेट होता है उस कंट्री में जाके उसको सज़ा मिलती है जो विक्टम की कंट्री होती है डेटा प्रजर्व डेटा प्रजर्वेशन एंड अदर मतलब कि डेटा सेफ रखना डेटा डेटा की सेफ्टी रखना एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन और भी तरीके के अलग अलग कॉपरेशं होते हैं वो भी होते हैं देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स राइट को प्रोटेक्ट करते हैं इंक्लूड्स प्रोविजन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन रॉइट सेफ गार्ड इंश्योरिंग दैट मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट कि साइबर क्राइम फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल वायलेट ना करें और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब द बुद्धा बे कन्वेंशन हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था एंड इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाई ओवर वन ट्वेंटी कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑल मेंबर ऑफ काउंसिल कितनी सारी कंट्रीज थी इसके अंदर वन ट्वेंटी कंट्रीज ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ़ यूरोप एंड मोस्ट मेजर इकानमीज़ द कन्वेंशन हैज़ ऑल्सो बीन यूज एज अ मॉडल फॉर नेशनल साइबर क्राइम लेजिस्लेशन इन मैनी कंट्रीज ठीक है देन चैलेंजेस जो इसने फेस किए हैं डिस्पाइट इट्स सक्सेस ये सक्सेसफुल हुआ था बट फिर भी इसके पास कुछ चैलेंजेस थे कुछ इशूज थे जो इसने फेस किए हैं द रैपिड फेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज विच मीन्स द कन्वेंशन नीड्स टू बी रेगुलरली अपडेटेड अब जो कन्वेंशन है उसके रूल्स है उसके रेगुलेशन है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो वो सब भी धीरे धीरे करके अपडेट होने बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो अपडेट होना उसका बार बार द लैक ऑफ हार्मोनाइजिंग साइबर क्राइम कुछ कंट्रीज करती हैं कॉपरेट कुछ नहीं करती हैं थोड़ा कम करती हैं कॉपरेट सो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी थोड़ा इश्यूज आ जाना है उस वजह से तो ये सब चीज़ें भी एक चैलेंज में आ जाएंगी द लैक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन वही मैंने बताया ना कुछ कंट्रीज थोड़ा कम कॉपरेट करती है कुछ कुछ केसेस के अंदर तो एक्स्ट्रा डिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर क्रिमिनल आगे चल के उसको सज़ा देना उसका पूरा प्रोसेस करना लीगल प्रोसेस करना उसका ट्रायल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है Then, this much in this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you.